इसे कन्हर से जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में हमने 3400 का लेवल देखा, उसके बाद 3400 का लेवल फिर नहीं दिखा, उसके बाद फिर सीमित दायर में काफ़ी लंबे समय तक कारोबार देखने को मिला, जो कि 3100-3200 तक गया मैक्सिमम, उसके ऊपर फिर कारोबार नहीं गया। लेकिन अब देख रहे हैं बिनौला खल अपना सपोर्ट खो चुका है और 2800 के लेवल्स तक आ गया है। ऐसे में आपको क्या लगता है, फंडामेंटल्स अगर देखे जाएँ, चारे की कीमत बढ़ रही है, दूध की कीमत बढ़ रही है, कॉटन की प्राइसेस अप हैं, तब भी बिनौला खल की कीमतों को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है और आगे बाजार बिनौला खल का कैसा रह सकता है? बहुत अहम सवाल पूछा अक्षय जी आपने कि एक तरफ कॉटन के दामों में लगातार इजाफा है, सरकार भी कॉटन के निर्यात के ऊपर बैन लगाने का प्रयास कर रही है ताकि उसके भावों को कंट्रोल किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर कॉटन यानी कपास के अंदर कोई गिरावट नहीं है, और जहां तक कपास छली का बात है कि जो भी पशुपालक है, डेयरी उद्योग वाले हैं, उन्हें भी और दर्शकों को भी मालूम है कि कपास छली सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली एक कैटल की है, जो जानवर इसको बहुत पसंद से खाते हैं, और वो पसंद और दूसरी खली में किसी में नहीं है, चाहे वो सरसों की हो, चाहे मूंगफली की हो, या किसी और की हो। तो उसके बावजूद में ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए, यदि आप एंट्री डेट पे ऐसा हो रहा है, यदि आप फिजिकल मार्केट में देखें तो कपास छली के दामों में गिरावट नहीं है। फिजिकल मार्केट के अंदर कपास छली के दाम अधिक है, और फ्यूचर मार्केट यानी एनसीडीएक्स पे गवार खली ये कपास या खली की दाम कम है। ये आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि फिजिकल के अंदर अधिक और एनसीडीएक्स में कम, इसका मतलब यही है कि जो भी मैंने आपसे चंद सेकंड पहले जो आपसे चर्चा की थी, ये उन लोगों पे लगाम लगाने की बात है जिनको कपास खली से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें कपास खली के बारे में जानते भी नहीं है, वो तो सिर्फ एक अपना तेजी मंदी के हिसाब से अपनी क्षमताओं से ज्यादा काम कर रहे हैं, और जैसे ही उनकी पोजिशन कटेंगी तो मुझे उम्मीद है कि कपास खली के अंदर मूवमेंट आएगा। तो ये सिर्फ एक धैर्य की बात है, क्योंकि फिजिकल यदि ऐसा ही चलता रहता है तो एनसीडीएक्स में खरीद के वो फिजिकल में बेचेगा जी, उसमें उसको कहां नुकसान है? यदि अभी व्यापारी है, कारोबारी है, एनसीडीएक्स के ऊपर माल खरीद के और उसको उसको उससे डिलीवरी लेके वो हाजिर के अंदर उसको डिलीवरी दे देगा, उसमें समस्या ही कहां है? लेकिन पॉइंट ये है कि जिनको डिलीवरी देनी ही नहीं है, उन्हें तो सिर्फ तेजी मंदी करनी है, ऐसे व्यक्तियों के लिए बड़ी 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 परेशानी का सबब होता है, क्योंकि उनको अपने सौदे काटने पड़ेंगे। और जैसे ही और ये खाली कपास खली में नहीं हो रहा है, पहले ये सरसों में भी होता था, ये सोयाबीन में भी होता था, कि दोनों फ्यूचर्स के अंदर काफी बड़ा फर्क आता था, चार चार पांच पांच सात सात आठ आठ परसेंट का फर्क था। अभी यदि आप देखें तो यही वजह है कि फिजिकल में ज्यादा होने के बावजूद भी कपास खली के दाम एनसीडीएक्स पे नहीं बढ़ रहे हैं, और अभी आप एनसीडीएक्स के जो भाव देखें कि जो करंट मंथ है और अगला मंथ है उसके अंदर भी फर्क है जी, उसमें ऐसा नहीं है कि कोई बदले का जो इंटरेस्ट के अलावा कोई चीज आ रही है, उसके अंदर भी फर्क है, उसके अंदर अच्छा खासा फर्क है। तो यही इसको दर्शाती है कि जो इस तरह की जो घटनाएं होती है और ये हर गेंज पे है, ऐसा नहीं है कि किसी इसके लिए सिर्फ अपने कपास खली पे ही है। यदि आप देखे हैं वायदे का कि 2863 रुपए का करंट मंथ का कॉटन की दाल केक चल रहा है, और नेक्स्ट मंथ का चल रहा है 2932 रुपए का, तो करीबन 70 रुपए का फर्क है। 2864 का भी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस नजर आ रही है स्ट्रीट के ऊपर, और नेक्स्ट मंथ का है 2932 रुपए। तो ये जो 70 रुपए का तकरीबन जो फर्क है, ये मेरी बात का जो 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 इस ट्रेडिंग को समझते हैं उनको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो कुल मिला के कपास खली के अंदर जो कुछ समय की ये जो मारामारी है, कि कमजोर हाथ से यदि निकलेंगे और तो उसके बाद में फिर ये शायद वापस मूवमेंट बना सकती है, ये कह लीजिए जी।